तो नमस्कार साथियों, एमपी टेट का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है और आज 7 मार्च 2022 है। सौरभ सर भी आए हुए हैं हमारे साथ और आज हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सौरभ सर जल्दी से आ जाते हैं टॉपिक पे और बताते हैं कि आज क्या-क्या जो है पूछा हेलो गया था हेलो। एमपी टेट में। जी सो सर, एमपी टेट ने उस बात को जारी रखा है कि स्टूडेंट्स को लगातार वो सरप्राइज करते रहा है अपने क्वेश्चन से। किसी प्रकार का कोई एक सटीकता वाले क्वेश्चंस नहीं देखे जा रहे या कंसिस्टेंसी नहीं देखी जा रही है जिसे सीटेट में देखी जाती है। यस, तो अब तक, कल तक, परसों तक आप देख रहे हो स्पेस साइंस का बहुत दबदबा था मैं लिख देता और हूँ सर इधर साइड यस में। जी जी सर, यस यस और सर। आज स्पेस साइंस के क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं इतने ज्यादा। और आज जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो देखे गए हैं आपके ओपीईसी। ओपेक क्या होता है? ऑयल एंड ओके, पेट्रोलियम ओपेक से सवाल पूछा गया एक्सपोर्टिंग था। कंट्रीज, इसके राइट सर, मेंबर्स हैं जो कतर है, यूएई है, इनके हार्मनी मेंबर्स से पूछा गया क्वेश्चन। ओके यहाँ सर, पर ओपेक के बाद टेलीस्कोप से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ओके है। सर। एग्जैक्ट क्वेश्चन बच्चे बता भी नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, इतना घुमावदार उसका लैंग्वेज भी करा गया है। यानी ओके जो सर, पैटर्न है वो अप टू द टेट लेवल का पैटर्न तो नहीं है, पर ओके इससे सर, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड पेपर बनाने के चक्कर में एमपीटेट ऐसे क्वेश्चंस दे रहा है। और राइट ईवीएस सर। अगेन एक चैलेंजिंग पार्ट, ईवीएस वाला पार्ट बहुत प्ले कर रहा है। तो आप ईवीएस को अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए जिनके आने वाले एग्जाम्स हैं। उसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर से भी एक दो क्वेश्चन देखे गए थे। यस सर, और प्रोटीन, प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होता है, ये क्वेश्चन तो आपने कर रखा है, सोयाबीन वाला ये क्वेश्चन आया था, ओके प्रोटीन सर। वाला। और भारत की सबसे बड़ी झील, ये तो कई बार आपको करा रखा है, चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक ओके है। सर, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखे जा रहे हैं साथियों, ये देखा गया है। कल के एग्जाम में भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे, आज के एग्जाम में भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। आज फुटबॉल पे क्वेश्चन था और टेनिस पे क्वेश्चन था आज, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें विटामिन और न्यूट्रिशन, विटामिन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो विटामिन का डेफिशिएंसी भी हो सकता है, विटामिन का दूसरा नाम भी हो सकता है, विटामिन का कौन सा प्रचुर स्रोत है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसके बाद सर यस थोड़ा सर, सीडीपी का आप यहाँ बताइए। राइट सर। तो सीडीपी में आते हैं साथियों। सीडीपी के जैसा बता रहे हैं, बाल विकास मनोविज्ञान में आज जो सवाल पूछे गए थे, कह रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा आज जो है जीन प्याजे या वाइगोस्की से ऐसे सवाल नहीं पूछे गए थे, लेकिन एक चीज़ जो निकल के लगातार आ रही है, समावेशीकरण की शिक्षा क्या होती है। तो समावेशी शिक्षा से 6 तारीख को और 7 तारीख को और 5 तारीख को, ये तीनों दिन जो है सवाल पूछे गए। हाँ, तो इंक्लूसिव एजुकेशन सर बहुत यस महत्वपूर्ण सर, टॉपिक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक मतलब जैसे एक बच्चा जो है जो देख नहीं सकता है, तो एक टीचर होने के नाते आप उसको कैसे पढ़ाएंगे, ये चीज़ है। ये भी एक तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन है, या किस तरह से बच्चे को हम शामिल करते हैं। या डिसेबिलिटी से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे गए थे, लेकिन इंक्लूजन से सवाल आए थे। इसके जी साथ साथ यहाँ पे कैटल की बुद्धि से सवाल बता रहे थे कि कैटल के सिद्धांत से आया था, लेकिन वो साधारण सवाल नहीं आया था। बता रहे थे कि जैसे तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि होती है, एकदम डायरेक्टली नहीं, और भी थोड़ा डीप था। तो एक बार क्वेश्चन क्लियर आ जाएगा तो वो भी हम बताएंगे कि क्योंकि कैटल जो है तरल और ठोस बुद्धि के बारे में जो बताते हैं, जो जी फैक्टर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि जी फैक्टर में जा करके जनरल फैक्टर जो होता है उसमें भी, और डीप में जा करके पूछा हो कि जी फैक्टर के ऊपर जो है जेनेटिक कारकों का कैसे प्रभाव होता है, और जी फैक्टर जो होता है ये हमारे स्पेसिफिक कारकों को कैसे प्रभावित करता है, या जो विशिष्ट कारक होते हैं उसके ऊपर भी जी फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है, बहुत ज़्यादा हावी रहता है। जैसे कोई इंसान डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, पोएट बनता है, मोची बनता है, कारपेंटर बनता है, तो उसके पीछे भी जो है जी फैक्टर या जनरल फैक्टर का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो कुछ डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरे जो कैटल से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो पर्सनैलिटी में भी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर से भी आप लोग इसको तैयार करके जाएंगे। तो आज जो सीडीपी में भी पूरे क्वेश्चन जो निकल के आए हैं वो समावेशीकरण या कैटल से ज्यादा बता रहे हैं, या बहुत ज्यादा ये नहीं बता रहे हैं कि जीन प्याजे वाइगोस्की से आया था। तो अभी हम आपको और भी क्वेश्चंस डिटेल में जो डिटेल है में शाम तक जो है डिस्कस सेशन कर में लेंगे बताएंगे। अपने प्लस क्लासेस में, और उसमें जितना भी क्वेश्चन आता रहेगा यस छात्रों का सर, और अनुभव, क्योंकि बाकी शिफ्ट का योगदान भी हो जाता है तो और क्वेश्चन में सशक्तिकरण हो जाता है। यस यहाँ सर, पर मैथ्स में देखा जाए तो मैथ्स का थोड़ा सा अटपटा रहा है हिसाब यस किताब। सर, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी है और कुछ क्वेश्चन एकदम रीजनिंग वाले सिटिंग अरेंजमेंट से भी देखे गए हैं। ओके सर, तो मैथ्स आप एक बार अच्छे से देखिए, चैलेंजिंग तो रहता ही है राइट सर। और मैथ्स के साथ साथ सर इंग्लिश इंग्लिश में से। हाँ पेडागॉजी में भी बता रहे थे कि इंग्लिश में जो है एक लगातार सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे जा रहे पार्ट्स हैं। ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ तो स्पीच में आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कॉन्जंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे सब पार्ट्स ऑफ आना स्पीच चाहिए। से पूछे जा रहे हैं एग्जैक्ट, सर। बिल्कुल यस सही सर, है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह हेल्प करता है। यस सर।
और इंग्लिश के साथ साथ सर अगर मैं हिंदी और संस्कृत की बात करूं तो यहाँ पे जो है संस्कृत में जैसे जैसे कर्मवाचक है या प्रथमा विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है, या थोड़ा विभक्ति को थोड़ा आपको क्लियर करके जाना पड़ेगा। इसके बाद यस जैसे आपको जैसे गच्छति गच्छतो गच्छन्ति है या बालका जी, बालका है, तो जितने भी इनके रूप आपको धातु रूप पता जो होने है चाहिए, हैं। और शब्द रूप है, धातु यस रूप है, सर, इन्हें आप करिए यस अच्छे सर, से। संस्कृत का इतना कठिन नहीं है, सीटेट अगर आपने दिया है संस्कृत से तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। यस सर, छात्र को ये बोला जा रहा है कि ईवीएस के लिए आपको स्पेशली बहुत अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, यस क्योंकि सर, बहुत उठपटांग क्वेश्चन भी देखे जा रहे हैं। यस तो सर, आप उससे घबराए ना, बस आप इन क्वेश्चंस को देखकर अपनी अलग अलग प्रेडिक्ट करके टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, यस ठीक सर, है। जैसे आज ओपेक की बात करी गई है, तो आप सार्क के बारे में भी पढ़िए, आप आशियान के बारे में भी पढ़िए, आप G15, G20, आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इन सब टॉपिक्स को देख के एग्जाम में जाइए, तो आपको एक एज मिल जाएगा बाकी छात्रों करेक्ट सर। और सीडीपी में एक सवाल पूछा गया था, सीडीपी के अंदर पूछा गया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय जो है उसका वजन कितना होता है, और आज हाइट भी पूछा गया था कि जन्म के समय उसका लंबाई कितना होता है। जी। तो जो वजन होता है बच्चे का, आप लोग जानते हैं 3.5 किलो वजन होता है, करीब करीब इसको 7.5 पाउंड के आसपास इसको हम रखते हैं, और इसी हिसाब से जो हाइट है वो करीब 1.25 फीट से 1.5 फीट के बीच में होती है। तो ये वाला पॉइंट पूछा जा रहा है, मतलब बॉडी मास से सवाल पूछे जा रहे सवाल हैं। पूछे जा रहे हैं, तो बीएमआई जो कंसेप्ट यस, है। बीएमआई कॉन्सेप्ट है, तो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट को थोड़ा सा ये भी स्पेसिफिक क्लियर करना है। अब आज अगर बॉडी के ग्रोथ से पूछ रहा है तो कल मैं आपको बता दूं पक्का है कि ब्रेन से पूछेगा सवाल, जी ब्रेन का पेरिफेरी कितना होता है, एरिया कितना होता है, या ब्रेन का वजन कितना होता है, या सेल से सवाल पूछ सकता है, न्यूरॉन से, तंत्रिकाओं से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि एमपी टेट में जो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी जो शरीर क्रिया वाली जो मनोविज्ञान होता है इससे भी सवाल पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको एक पढ़नी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा एमपीटेट में, तो आपको नए सवाल मिलेंगे। तो ये जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ आपको स्कीमेटिक तौर पे ध्यान रखना है, ये यस नहीं कि सर, सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को प्रिपेयर करना है। इनसे अलग जितने भी प्रश्न यहाँ से निकलते हैं पेड़ की शाखाओं की तरह, वो सभी प्रश्नों को आप प्रिपेयर करिए, ठीक बहुत है। बढ़िया, बहुत अच्छा सर। तो इस तरह से जो है हमने आपको बताया साथियों कि कुछ जो है मैथ्स में से 3D से सवाल आए थे, वृत्त से सवाल आए थे, और पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विलोम आया था, पोयम पूछी गई थी इंग्लिश में, राइमिंग वर्सेस, पोएम पूछी यस गई थी, सर, ओके। यस, और सोयाबीन प्रोटीन है, बड़ी झील कौन है, विटामिन है, ओपेक है, ये सब कुछ ठीक है, एमपी टेट में फर्स्ट शिफ्ट में सर पूछे गए पूछा थे। गया। चलिए साथियों, बाकी डिटेल में क्वेश्चन हम सेकंड शिफ्ट का भी एक बार आने देते हैं, बच्चों का क्या रिव्यू है, फिर हम आप सबसे शेयर करेंगे। चलिए साथियों, तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप